मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के विधायकों को पैसे का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायक को 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मोरेना से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा से संपर्क किया और उन्हें 100 करोड़ रुपए देने की लालच दी। यही नहीं, भाजपा की सरकार में उन्हें मंत्री पद देने का भी वादा किया गया। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जाने के बाद भाजपा ने कई कांग्रेस के विधायकों से संपर्क किया और उन्हें अलग अलग प्रकार के लालच दिए गए। वहीं दिग्विजय सिंह के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा ने चुनौती दी है कि दिग्विजय सिंह अपने दावों को साबित करें। वहीं बैजनाथ कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी अरबों रुपए का लालच देकर मुझे नहीं खरीद सकती। बहरहाल, अब इसे पॉलिटिकल स्टंट कहें या चुनाव के पहले की तैयारी, जो भी हो, लेकिन सच और झूठ के इस खेल में जनता ये समझ गई है कि सरकार और विपक्ष के बीच की लड़ाई में मजा तो नेताओं का ही होता है, जनता तो बस पिस कर रह जाती है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के विधायकों को पैसे का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायक को 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मोरेना से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा से संपर्क किया और उन्हें 100 करोड़ रुपए देने की लालच दी। यही नहीं, भाजपा की सरकार में उन्हें मंत्री पद देने का भी वादा किया गया। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जाने के बाद भाजपा ने कई कांग्रेस के विधायकों से संपर्क किया और उन्हें अलग अलग प्रकार के लालच दिए गए। वहीं दिग्विजय सिंह के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा ने चुनौती दी है कि दिग्विजय सिंह अपने दावों को साबित करें। वहीं बैजनाथ कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी अरबों रुपए का लालच देकर मुझे नहीं खरीद सकती। बहरहाल, अब इसे पॉलिटिकल स्टंट कहें या चुनाव के पहले की तैयारी, जो भी हो, लेकिन सच और झूठ के इस खेल में जनता ये समझ गई है कि सरकार और विपक्ष के बीच की लड़ाई में मजा तो नेताओं का ही होता है, जनता तो बस पिस कर रह जाती है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब।